दूसरा मैच जीतकर भी संकट में टीम इंडिया का यह खिलाड़ी, अब होगा इंतजार खत्म। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से दूसरा टी20 मैच भले ही जीत लिया हो और सीरीज भी बराबरी पर आ गई हो, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। खास तौर पर गेंदबाजों ने तो लखनऊ में बेहतरीन प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 99 रनों पर रोक दिया, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने में भी भारतीय टीम को पसीने आ गए। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, और इस चैनल पर क्रिकेट की हर अपडेट मिलेगी इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भारत ने एक गेंद शेष रहते हुए इस मैच को जीत लिया। बता दें कि लखनऊ की पिच भले ही स्पिनर्स के लिए मददगार रही हो, लेकिन टीम इंडिया से ये उम्मीद की जाती है कि वे न्यूजीलैंड से बेहतर स्पिन खेलेंगे। जब भारत के सामने केवल 100 रनों का ही टारगेट था, उस वक्त लग रहा था कि भारतीय टीम कम से कम 15 ओवर में इस मैच को जीतकर रफा दफा करेगी, लेकिन भारत की सलामी जुड़ी एक बार फिर नहीं चली। जहां एक और शुभमन गिल वनडे का फॉर्म टी20 में कायम नहीं रख सके, वहीं ईशान किशन भी उस तरह बेखौफ होकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि आखिरी टी20 इंटरनेशनल में जो टीम खेलेगी इस मैच में राहुल त्रिपाठी की छुट्टी की जा सकती है। आपको बता दें कि इसी बीच करीब 1.5 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले सलामी पृथ्वी शो बेंच पर बैठे हुए हैं। अब माना जा रहा है कि पृथ्वी शो की तीसरे और आखिरी मैच में वापसी हो सकती है। बता दें कि पृथ्वी शो ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2021 में खेला था। ये उनका पहला और अभी तक का आखिरी मैच भी है। तीसरे मैच में भारतीय प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है। शुभमन गिल, ईशान किशन, पृथ्वी शो, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वाशिंगन सुंदर, दीपक हुड्डा, शिवम मावी, हरसदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। इस प्लेइंग 11 के साथ हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर सकते हैं। राहुल त्रिपाठी की जगह पृथ्वी शो की वापसी हो सकती है टीम में।